This conference will now be recorded. So hello friends, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस HDFC AMC के लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट में कल ही रिजल्ट इनके अनाउंस हो चुके हैं क्वार्टर 3 के दोस्तों क्वार्टर 3 यानी आपके लिए एक्चुअली ये 9 महीने का रिजल्ट है हम अंदाजा लगाते हैं कि भी पिछले 9 महीने के मुकाबले इस बार HDFC AMC के क्या नतीजे हैं और इन नतीजों के कारण भाव पे क्या इफेक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीजें राइट फ्रेंड्स तो आइए दोस्तों HDFC AMC पे हम आगे बढ़े HDFC AMC दोस्तों HDFC AMC यानी क्या लार्जेस्ट AMC है भारत में जितनी AMC है उसमें सबसे बड़ी है सबसे बढ़िया प्रॉफिट करती है तो अगर मुझे AMC में इन्वेस्ट करना है तो HDFC AMC पे जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनको सबसे ज्यादा धंधा करना तो आता ही है राइट 2100 करोड़ का इनका सेल्स है और अंदाजित 900 करोड़ ये लोग प्रॉफिट करते हैं दोस्तों 20% CAGR से इनका सेल्स बढ़ रहा है तो डेफिनेटली दे आर हाईएस्ट ग्रोइंग AMC सबसे बढ़िया AMC राइट अभी ये AMC जब IPO आया था उस समय भी नागेश ने इसका रिव्यू दिया था तो आज हम पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे हम सिर्फ लेटर रिजल्ट पे बात करेंगे पर आप में से वो लोग जो सही में एसेट मैनेजमेंट कंपनियां का भविष्य HDFC एसेट मैनेजमेंट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है उसको क्लिक कर सकते हो ये वीडियो HDFC AMC IPO का वीडियो नागेश ने IPO के समय रिव्यू दिया था और उसने 5-10 साल के टारगेट अंदर अनुमान लगाए हुए थे लिंक मैंने नीचे दी हुई है उसके साथ ही दोस्तों पिछले क्वार्टरली रिजल्ट का भी वीडियो हमने अपलोड किया था राइट ये दोनों चीजें आप वहां से देख सकते हो आज हम चर्चा करेंगे खाली लेटेस्ट रिजल्ट्स राइट ओके एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री दोस्तों भारत की जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है ये वैसे भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है दोस्तों इंडिया में एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई था दुनिया के कंपेयर में और इसी वजह से अथॉरिटी यानी सेबी ने पिछले साल कई कॉस्ट कटिंग किए हैं जिससे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाए और इसकी इफेक्ट इन्वेस्टर को और एएमसी को हो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो कट करने के बाद एक्चुअली इसने एएमसी को मदद की है क्योंकि एएमसी के प्रॉफिट जबरदस्त बढ़े हैं एक्सपेंस रेशियो कट होने के बाद इससे एएमसी अपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बहुत घटा सकी है राइट AMC दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ग्रोथ रहना चाहिए राइजिंग इनकम एक अच्छा डिमांड ला सकती है फाइनेंशियल सर्विस में और जिसके कारण ये आशा रख सकते हैं कि AMC के धंधे 15% से ग्रोथ हो सकते हैं देखो दोस्तों हम जानते ही है भारत में एवरेज इंडियन का सालाना इनकम 10% से बढ़ रहा है महंगाई 4-5% से बढ़ रही है तो हर साल 4-5% की डिस्पोजिबल इनकम बढ़ती जा रही है तो ये जो डिस्पोजिबल इनकम जो बढ़ती जा रही है ये कहां पे पार्क होगी ये जरूर फाइनेंशियल सर्विस में भी पार्क होगी जिसमें इंश्योरेंस हो सकता है एएमसी हो सकता है राइट फ्रेंड्स तो कोई डाउट नहीं है एएमसी अच्छा रहना चाहिए आने वाले समय के लिए दोस्तों अगर इनका पास्ट देखें तो HDFC AMC 18% से अपने बिजनेस को बढ़ा सकी है और 20% से इनके प्रॉफिट बढ़े हैं पिछले 6 साल का ये हमने डेटा दिया हुआ है दोस्तों करंट ईयर डिमांड म्यूटेड है जो आप इधर देख सकते हो देखिए रिलायंस का धंधा तो देखो थोड़ी मंदी आई नहीं कि इनका धंधा डाउन हो गया राइट HDFC AMC का धंधा अभी भी 9% ग्रोथ पे है हम जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी 3.5 से 3% के अंदर इस बार चली गई है जिससे इंडिया चाइना जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आया है तो इकोनॉमी पे जब भी इफेक्ट आता है
वो कंट्री की इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट आता ही है। अब आप इसकी इफेक्ट देखो, सबसे बढ़िया एएमसी का भी धंधा खाली 9% से बढ़ा है, जो कि एवरेज उसकी पिछले 5 साल की 18% से धंधा बढ़ने की है। तो धंधे एवरेज है, म्यूटेड बिजनेस है ये हम कहेंगे इस साल एएमसी के, राइट। प्रॉफिट लेकिन एएमसी के म्यूटेड नहीं है। देखो पिछले 6 साल से 20% से प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, ये साल जबरदस्त ग्रोथ मिला है 21% का। दोस्तों ये 21% का ग्रोथ एचडीएफसी को क्यों मिला है? खाली एचडीएफसी नहीं, मेजोरिटी ऑफ एएमसी को इसका फायदा हुआ है। आप रिलायंस भी देखो तो इनका धंधा 20% गिरा, फिर भी 16% से प्रॉफिट गिरा। एक्चुअली 20% धंधा गिरा तो 20% से प्रॉफिट गिरना चाहिए था, पर उसके बावजूद 16% से बढ़ा है, यानी 36% का कुछ फायदा हुआ है। ये क्या फायदा है ये अभी हम देखेंगे। सेम चीज आप एचडीएफसी में देख सकते हो, 9 के बदले 50% ज्यादा ले गए ये लोग, राइट। तो ये कहां से आया है दोस्तों? ये आया है प्रॉफिट ऑफ एएमसी हैज जंप ड्यू टू सेबी'स नोटिस ऑफ कॉस्ट कट। जो कॉस्ट कट किया है इस बार सेबी ने, उसका फायदा जबरदस्त एएमसीओ को मिला है। उसके साथ कॉर्पोरेट टैक्स जो कट हुए हैं उसका भी फायदा इसके अंदर ऐड हुआ है। तो ये साल फायदा ही फायदा है एएमसी को। दोस्तों दो मेजर एएमसी लिस्टेड है, एक एचडीएफसी और एक रिलायंस आरना, राइट। सबसे बढ़िया एचडीएफसी एएमसी है, ये दो में नहीं, ओवरऑल जितनी भी एएमसी है उसमें देखो मेजर धंधा तो करते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। यस, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, ये तीनों सबसे बड़ा धंधे करने वालों में से एक है, पर एचडीएफसी सबसे बढ़िया है दोस्तों, राइट। कैसे हम कह सकते हैं? देखिए अगर सेल्स और प्रॉफिट देखे तो आपको दिख रहा है कि रिलायंस और एचडीएफसी के सेल्स में जबरदस्त बड़ी गैप है, राइट। और उससे भी बड़ी गैप तो प्रॉफिट में हो जाती है, राइट। सेल्स में ये 2000 करोड़ का धंधा करते हैं, ये 1600 करोड़ का धंधा करते हैं, पर प्रॉफिट सीधा डबल हो जाता है एचडीएफसी का। तो यस, वी शुड फोकस ऑन एचडीएफसी एएमसी, जिनको धंधा करना भी ज्यादा अच्छी तरह से आता है और प्रॉफिट लेना भी आता है, राइट। अब मार्जिन देखो तो रिलायंस के मार्जिन खाली 30% है, एचडीएफसी के मार्जिन 60% है। तो यहीं पे बता देता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन सी है। देखो धंधा तो सबको ही करता है, पर वो धंधे में से प्रॉफिट तक कितनी बढ़िया तरीके से ले जाता है उससे कंपनी का आने वाला भविष्य डिपेंड है, इन्वेस्टर्स का पैसा डिपेंड है, राइट। तो यस, एचडीएफसी बेस्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो देखो जो इक्विटी दोनों कंपनी ने लगाई है, जैसे रिलायंस ने लगाई थी रिलायंस आरनाम में और एचडीएफसी ने लगाया था एचडीएफसी एएमसी में, यहां पे हम देख सकते हैं कि देखो एचडीएफसी को ऑलरेडी 8 गुना पैसा हर साल मिल रहा है, यानी जितना इन्होंने लगाया मेरे ख्याल से कुछ 100 करोड़ रुपया जितना एचडीएफसी का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। अब 100 करोड़ के सामने देखो 900 करोड़ तो सालाना मिलने लगा है, तो ऑलमोस्ट 8 times आरओई, राइट। इन्होंने कितने साल पहले धंधा शुरू किया था, एक डिकेड होने को आया अभी, तो देखो डिकेड में ये 10 गुना प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे तो लेने लगे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ क्रिएशन, राइट। एचडीएफसी ने जब एचडीएफसी में निवेश किया होगा तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना प्रॉफिट करूंगा, ये सोचते मैं कितनी वेल्थ क्रिएट करूं। एक बार जो मैं निवेश कर रहा हूं मेरी एचडीएफसी को जिंदगी भर कैसे पैसा देती जाए एचडीएफसी एएमसी, देखो दे रही है। आर नाम खाली 1 times प्रॉफिट कर रही है इक्विटी का, तो हर तरह से एचडीएफसी इज बेस्ट, ये हमें यहां पे दिखता है, राइट फ्रेंड्स। इवन हाई गुड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बारे में भी एचडीएफसी का क्या कहना, बढ़िया कंसिस्टेंट धंधा और प्रॉफिट दोनों ये कर रहे हैं। 5 साल के डेटा है, मैं आपको कंसिस्टेंसी किस लिए कह सकता हूं, देखो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मुझे एक साल बताओ जब धंधा डाउन हुआ है, राइट। देखो एएमसी का बिजनेस, एएमसी इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रोइंग थी, तो इन लोगों ने भी बढ़िया ग्रोथ किया है, 18% के सीएजीआर से धंधा बढ़ा एंड इट वॉज कंसिस्टेंट। अब प्रॉफिट देखो, देखो प्रॉफिट सेल्स जितना कंसिस्टेंट नहीं होता है, उसमें वॉलेटिलिटी होती है, कभी कभी प्रॉफिट गिरते भी है। इनके केस में देखो
तो प्रॉफिट हर साल कंसिस्टेंट बढ़ा है, राइट। तो 6 साल से धंधे बढ़े, 6 साल से प्रॉफिट बढ़े, तो यस ये लोग माहिर है बिजनेस करने में। कंसिस्टेंटली 32 से 44% तक ये लोग मार्जिन ले पा रहे हैं, राइट। अंदाजित 50% रुपया डिविडेंड में एचडीएफसी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एचडीएफसी इनका प्रमोटर है, एचडीएफसी एएमसी का। तो एचडीएफसी ने जो भी निवेश किया इस कंपनी में, देखो कितना निवेश किया, 106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 106 करोड़ के सामने पिछले साल ही देखो 930 करोड़ में से कंपनी ने 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना हुआ 50%, यानी 450 करोड़। देखो 450 करोड़ रुपया जितना तो एचडीएफसी को मिला कि नहीं, अगर उनका 100% स्टेक हो। 100% नहीं है, स्टैंडर्ड लाइफ का भी है, पर कितना बढ़िया पैसा मिला इनको, राइट। दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ, राइट। ये हमने पास देखा, एचडीएफसी एएमसी वाज एबल टू कैश द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर एज दे वर एबल टू ग्रो बाय 20% सीएजीआर इन लास्ट 6 years। दे हैव ग्रोन फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ 300 करोड़, 300 करोड़ से दोस्तों 900 करोड़ आ चुके हैं ये साल, 1000 नहीं सीधा 1500 करोड़ का जंप लगाएंगे दोस्तों ये लोग, राइट। सो यस दे हैव ग्रोन वेरी वेल दोस्तों। इस साल अगर हम देखें करंट ईयर सेल्स ग्रोथ 9% है, तो ये 9% क्या कहता है कि मंदी का माहौल है। 18% के हिस्टोरिकल ग्रोथ के सामने इस बार 9%, तो प्रॉफिट भी कमी बढ़ते इन लोगों के, लेकिन बढ़िया काम हुआ क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस 37% से घटे। दोस्तों धंधा बढ़ता है, खर्चे बढ़ने ही चाहिए, पर सेबी ने जो ये नॉर्म्स लाया, जो एक्सपेंस रेशियो कट किया, इन्होंने भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट कट किए, उसके कारण इनको जबरदस्त फायदा हुआ। कॉस्ट बढ़ने के बदले घट गया, तो देखो धंधा 9% बढ़ा पर प्रॉफिट 55% बढ़ा है दोस्तों। ईपीएस 61% बढ़ा है क्योंकि इनका मार्जिन 42% बढ़ गया दोस्तों। देखो पिछले साल 42 था, इस साल 60 है, यानी ग्रोथ देखे तो करीबन 42% का ग्रोथ हुआ, राइट। तो यही ग्रोथ एक बढ़िया चीज है, पर मंदी है ये ध्यान रखे इस साल, राइट। करंट ईयर प्रॉफिट बढ़िया है, कॉस्ट डिक्रीज हुए, मार्जिन इंक्रीज हुआ है, राइट। तो अब ये मैंने 9 महीने के रिजल्ट डाल दिए हैं। 9 महीने के रिजल्ट पिछले सालों से थोड़े कम है, लेकिन ये हमने कब से एक्सपेक्ट किए हुए, देखो H1 के रिजल्ट मैंने यहां लिखे हुए, क्वार्टर वन नहीं लिखे, पर क्वार्टर वन भी ऐसे ही थे, यानी क्वार्टर वन से लेके अब तक। देखो H1 में भी धंधा खाली 8% बढ़ा था, तो इस साल शुरुआत से ही धंधे डाउन है, शुरुआत से ही प्रॉफिट तगड़े है, राइट। तो 9 मंथ के जो रिजल्ट आए ये इन लाइन हम कहेंगे, ना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ना कम है, जो सोचा था वैसे ही रिजल्ट है दोस्तों। 55% प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से और 9% धंधे के हिसाब से मैं आशा रखूंगा कि इस बार एचडीएफसी एएमसी 2300 करोड़ का टर्नओवर करे, करीबन 1500 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाए। इनका ईपीएस जो 44 है वो इस साल 71 हो जाएगा, तो पिछले साल जो आपको 24 रुपया डिविडेंड मिला था, इस बार 35 रुपया डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये 50% तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। हम इस साल 1700-1800 हायर साइड पे प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हायर साइड, राइट। लोअर साइड मुझे बाइंग किधर करना चाहिए, सॉरी एवरेज प्राइस 1700 मैंने लिखा हुआ है, राइट। ये फॉरवर्ड ईपीएस 71 के हिसाब से एक्चुअल में का है, 3200 रुपए का जो अभी इसका भाव चल रहा है, डेट इज एक्सपेंसिव, तो मुझे खरीदना कब चाहिए। देखो ये 71 रुपीज के हिसाब से एक्चुअल वैल्यूएशन तो 1767 यानी 1800 जितने आते हैं, पर हम 1800 आ जाए इमीजिएटली वो आशा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में तगड़ा ग्रोथ है, धंधे भी मंदी में भी बढ़ रहे हैं, राइट। तो हमें कम से कम 1800 नहीं पर 2600 की तो आशा रखनी चाहिए दोस्तों, राइट। क्योंकि 3200 पे लेंगे
तो कुछ यील्ड नहीं बनती है, खाली 2% मिलता है। सोचो 3200 डाल के 71 रुपया लेना, यानी 2% जितना मिलेगा, पर फॉल में लेंगे 2600 के आसपास तो हमारी यही यील्ड बढ़ जाएगी। 2600 पे लेने के बाद इसको भूल जाए। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ने आईपीओ से लेके रखे हुए हो, तो देखो हमने बेचने को आपको बोला ही नहीं। जिन्होंने आईपीओ में लेके रखा कितना बढ़िया फायदा हुआ, उसी प्रकार से 2600 यानी फॉल में लेके भी इसको भूल जाओ। कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, में 10,000 का टारगेट की आशा रख सकता हूँ। और मैं ये भी आशा रखूंगा कि जो पैसा मैंने डाला है वो तो मेरा डिविडेंड से ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंपनी आधा प्रॉफिट तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट? मैं आशा रखूंगा 2030 आते आते ये कंपनी 9,000 करोड़ के प्रॉफिट और 9,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाए, राइट फ्रेंड्स? सो या यू कैन फोकस ऑन दिस कंपनी। चार्ट वाइज देखे, देखो ये आईपीओ के समय आया था, आईपीओ के बाद कितना गिर गया था, फिर भी आपने पेशेंस रखा। देखो ये करेक्शन में जो लोगों ने इकट्ठा किया वही लोग तो ये रैली का फायदा उठा सके, राइट? तो जो भी लोगों ने आईपीओ से खरीद के रखा है, या ये समय भी हमने अगेन बाइंग रिकमेंड किया हुआ था 2000 के प्राइस के आसपास, जो लोगों ने 2000 पे लिया हुआ है, अगेन 2600 पे और एक्यूमुलेट करो। देखो ये एक फॉल तो आया ही है जबरदस्त, अभी ये आराम कर रहा है, एक दूसरा फॉल हम देख सकते हैं। ए बी सी कंप्लीट करेगा, 2600 में लेंगे, अगेन ऐसी रैली हम देख पाएंगे, राइट? तो मेरे हिसाब से 2600 का लेवल एक अच्छा लेवल बनता है बाइंग का, राइट? आने वाले 2-1 साल में हम इसको निफ्टी में भी देख सकते हैं। एचडीएफसी का 53% स्टेक है और स्टैंडर्ड लाइफ का 27% स्टेक है। कितना हुआ, 53 और 27, 63, 73, 80, हाँ करीबन 80% स्टेक तो प्रमोटरों का है, बाकी 8% एफआईआई लग के बैठे, कुछ एमएफ के पास होगा, राइट? तो दोस्तों बड़े खिलाड़ियों के पास ही अच्छा माल है। डिस्क्लोजर बता दूं, जो स्टॉक की हमने चर्चा की है ये हमारे पास हो भी सकता है, तो आप लेने से पहले खुद रिसर्च करें। देखो किसी पे भी, पीयूष भाई बोले, कोई भी बोले, आपको किसी के बात सुनने की जरूरत नहीं है, खुद इसकी डिटेल देखो और डिसीशन लो, बाय करो, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू दोस्तों, हमने ये रिजल्ट आज चर्चा की, इसी प्रकार से अलग अलग रिजल्ट देखेंगे। पुणे में अगले महीने वापस मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप में, और बेंगलोर और चेन्नई 3 दिन का हमारा ग्रोइंग इंडस्ट्री पे डिस्कशन होगा, राइट? तो ये सब इवेंट प्लान्ड है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।